क्या हो गया? दे तो दिया। चुप, जल्दी निकाल, चले। जल्दी निकाल, भाई मोबाइल लेना, मोबाइल रे, हिलना मत वरना मार दूंगा। क्या हुआ था सर? उस टाइम हम आ रहे थे औरंगी टाउन नूरी चौक के करीब। मोमिनाबाद पुलिस की गश्त के दौरान नजर पड़ी कि मोटरसाइकिल पर सवार एक औरत और मर्द गन पॉइंट पर राहगीरों से लूटमार कर रहे हैं। पुलिस को देखकर मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश की तो पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे मुल्जिम इमरान जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या रिश्ता है तुम दोनों का? ये मेरी गर्लफ्रेंड है साहब। वो बता साहब, ये मेरा बॉयफ्रेंड। बस बंद करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? कहानी सुनाने बैठ गए मुझे। कितनी डकैतियां मारी आज तक तुमने? लूटा हुआ माल काम पर है? कितने साथी हैं तुम्हारे भाई? साहब मैं नॉर्थ कराची की रहने वाली हूँ। मुल्जिम की साथी खातून ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश करते हुए बताया कि वो नौजवान को नहीं जानती। नौजवान से उसने लिफ्ट ली थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि खातून भी लूटमार में नौजवान के साथ शरीक थी। चुप, ड्रामेबाज नहीं की। पहले तो कह रही थी कि तूने इससे लिफ्ट लिया और अब शौहर जवारी हो गया। तू बता शादीशुदा है? जी साहब, मेरी 2 बीवियां और 4 बच्चे हैं साहब। फिर भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की आज की चल रही है तुम्हारी? साहब मेरी मजबूरी थी साहब। मुल्जिमान ने हालात का रोना रोते हुए बताया कि मुल्जिम इमरान की 2 बीवियां और 4 बच्चे हैं, जबकि मुल्जिमा परवीन 2 बच्चों की मां है। मुल्जिम इमरान ने बताया कि वो एक प्राइवेट अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड है, जिससे उसके अखराजात पूरे नहीं होते थे। अबे हाँ यार, तुझे तो पता है ड्यूटी ड्यूटी होती है। हाँ हाँ जाओ, मेरे बच्चों की फीस के पैसे देते जाओ वरना फिर भूल जाओगे। अबे यार सुबह सुबह पैसे मत मांगा करो मुझसे। क्या मतलब सुबह सुबह पैसे नहीं मांगा करो? सुबह मांगो तो रात का कहते हो, रात का कहो तो सुबह कहते हो, क्या मतलब है? पैसे दो मुझे। अच्छा अच्छा, और गुड्डू के यूनिफॉर्म के पैसे कौन देगा? लो ये भी आ गई। तू 1-2 दिन जरा रुक जा। क्यों? मैं क्यों रुक जाऊं? गुड्डू क्या तुम्हारा सौतेला बेटा है? समझा करना यार। मेरी समझ तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तूने इससे शादी की थी और इसको मेरे सर पे लाके बिठा दिया था। इसको तो मेरी आँख खा जाएगी। मैं तेरे से बात नहीं कर रही ना, कर तो ज्यादा अच्छा है। चल ला तू पैसे दे। मैं आज किसी को भी पैसे नहीं दे रहा। रैयान आज तो लड़ाई होने वाली है। तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। क्या मतलब है किसी को पैसे नहीं दे रहा? क्यों? अभी निकाले थे ना पैसे देने के लिए। दो शराफत से पैसे मुझे। अगर इसको पैसे मिलेंगे तो मैं भी अभी पैसे लूंगी। अबे दूर हटो दोनों। ना है मेरे पास पैसे, ना मैं दे रहा हूँ किसी को पैसे। ऐसे कैसे नहीं दे रहा हूँ? ऐसे कैसे नहीं दे रहा? मुझे तुम पैसे दोगे? निकालो पैसे। आज तक तुम मुझे पैसे दे के रहे। अबे पागल होगा तुम लोग। पीछे हट, मारूंगी ना। पैसे दे। अबे ये जेब नहीं है, मेरे बाल हैं। छोड़ो मुझे। पैसे दे। थोड़ी लाल लगा। अरे अरे छोड़, मैं लेने नहीं दूंगी। हट यहाँ से। अरे छोड़ दो मुझे यार। अरे छोड़ दो मुझे यार, नहीं है मेरे पास पैसे। मुझे तो देगा। छोड़ो तुम लोग, पागल हो गए हो। ऐसे कैसे नहीं देगा? पैसे मैं निकालूंगी, ये मेरे पैसे। तू क्या करेगी? क्या करेगी? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या? जा जा, तू क्या करेगी? तेरे बच्चे क्या करते हैं? ओ शाहिद, हाँ अभी अंदर नहीं जाए। क्यों? अंदर क्या है? अबे बड़े डॉक्टर साहब राउंड पर आए हुए हैं। वो तो रोज ही आते हैं। अबे हालात की वजह सख्ती है, अभी चले जाएंगे। मिल लियो तू उनसे। यार इमरान भाई, तुम्हें तो पता है नासिर भाई के पास जाना है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अबे क्या हम तेरे दुश्मन हैं? थोड़ी देर हमारे पास बैठ जा, डॉक्टर साहब जाएं, फिर नासिर भाई से मिल लियो। चल ठीक है। अबे यार ये जगह सुर्ख हो रही है, ऐसा लगता है रगड़ लगी है। अबे ये छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। ऐसा लगता है बड़े प्यार से लगी रगड़ जो तुम्हें पता भी नहीं लगा। अबे प्यार गया भाड़ में, क्या महंगाई के चक्की में इंसान पिसके रह गया है, तुझे प्यार की पड़ी हुई है। क्यों अस्पताल से नहीं मिलता क्या? अबे डॉक्टर नहीं चौकीदार हूँ यहाँ पर। अबे रहने दे, ऊपर की भी तो कमाई होती होगी। ये न्यू कराची का अस्पताल है, कुछ डिफेंस या क्लिफ्टन का नहीं है। अबे यहाँ तो लोगों बस चले तो हमारी जेब से नोट निकाल लें। तो बात सुन, कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो बता यार। पार्ट टाइम तो एक ही जॉब है। तुम्हें कौन सी जॉब? 2-3 घंटे निकालना है, जॉब लश है। अबे तो क्या हुआ, पार्ट टाइम शाम की नौकरी हो, दिन में यहाँ करता हूँ शाम में वहाँ कर लूँगा। मेरे साथ काम करेगा नौकरी भूल जाएगा। अबे मैं तैयार हूँ, काम बता क्या करना है। इधर आ बताता हूँ। कोई मसला तो नहीं होगा? देख भाई मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मैंने तो नासिर भाई को भी ऑफर की थी, लेकिन नासिर भाई निकले डरपोक। सोच ले, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है तुझे सोच के बताता हूँ। हाँ हाँ बता दियो, जिस दिन बोलेगा उसी दिन अपने साथ ले जाऊंगा। चल अब मैं चलता हूँ। मुझको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम लोगों के हालात बदल जाएंगे। अरे वाह! तू सिर्फ 2 ही कामों में कामयाब हो सकता है। वो कौन से? सर पे टोपी रख ली तो चंदा बहुत मिलेगा, हाथ में टीटी रख ली तो माल। मैं नहीं डरता। हैं? क्या कहा तूने? तू नहीं डरता? मैं तुझे डराती हूँ? मैंने कब कहा? अब तो झूठ भी बोलने लगा है, अभी तो कहा है। मैंने तुझे तो कुछ नहीं कहा। बस बस रहने दे, पता है मुझे तूने मुझे ही कहा है, और तो यहाँ कोई है नहीं। अब अगर बेचारे के मुंह से सच निकल ही गया है तो उसे डांट क्यों रही हो? देख नहीं रही डर डर कर क्या हाल हो गया। पापा आज आप कौन से कमरे में सोएंगे? मैं भी आपके साथ सोऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं सुकून से हूँ। नहीं चला जाना, बच्चा है, जा जाना, ले जा अपने पापे को, मेरा मतलब है पापा को। अल्लाह पापा जाना जाना, पापा बुला रहा है। आओ। मुल्जिम इमरान ने पुलिस को बताया कि अस्पताल की नौकरी में 2 बीवियों और 4 बच्चों के साथ गुजारा नहीं होता था, जिससे घर में लड़ाई झगड़े रोज का मामूल थे। पापा छोरा बन के रह गया। सुल्ताना, ओ सुल्ताना। जो कहना है मुझे कह देना, क्या कोई खास बात है? चल तू आ गई तो तू ही सुन ले। मैं जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा, हो सकता है 12 ही बज जाए। वो तो वैसे ही शक्ल पे बजे हुए हैं। अच्छा क्या कोई तीसरी कर ली है? मेरे बाप की तौबा, तुम दोनों ही से मेरा पेट भर गया है। अलबत्ता इसकी नियत का कोई भरोसा नहीं है, हॉस्पिटल से तनख्वाह आए या ना आए, औरतें इसे खूब मिल जाती हैं। तुझे भी तो वहीं से पसंद करके लाया था, देख लो। वैसे तुझे कहाँ से लाया था? अरे मेरी बात तो सुन लो, तुम लोगों से बात करना ही गुनाह है। चल ठीक है, सवाब का माल है। बता क्यों आएगा देर से? मुझको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम लोगों के हालात बदल जाएंगे। अरे वाह इमरानुल हसन, क्या बात है, आज सूखे पापे खाकर हलवा पूरी की बातें निकाल रहे हो मुझसे। तुम लोग देखते जाओ, हलवा पूरी क्या डबल रोटी पे मक्खन लगाए खिलाऊंगा तुम दोनों को। मक्खन लगाना तो बड़े अच्छे से लगाना जानता है। अच्छा सुन, जाने दे इसे, आज बहुत खुश है, हमें लड़ना होगा हम बाद में लड़ लेंगे। चल ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ भाई। इतनी बुरी नहीं हूँ, मिलकर रहेगी तो अच्छे से रहूंगी। हाँ, भुट्टे के मुंह वाली। हाँ भाई, फिर क्या सोचा? अरे सोचना क्या शाहिद, अब तेरी शागिर्दी करेंगे। बस एक दो दफा की बात है, फिर तो तू खुद उस्ताद बन जाएगा। अरे जब तक तेरा साथ है तेरी ही शागिर्दी करेंगे। चल फिर ठीक है, आज रात में तुझे घर से पिक कर लेता हूँ। हाँ क्या हो रहा है? मत देखो, फूकू मत आओ। चल इसके बाद तो बस यहाँ शॉपर हो गया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से? और खामोश, बस आज के लिए इतना ही काफी है, चल माल निकाल। अबे यार, अबे यार शाहिद, मैं तो डर रहा था, लेकिन ये काम तो बड़ा आसान है। सिर्फ टीटी दिखाई, उसने सारा माल निकाल के मुझको दे दिया। तेरी तो शक्ल ही ऐसी है, तू टीटी ना भी दिखाए तो अगला तेरे भरम से ही सारा माल दे दे। तू सिर्फ दो ही कामों में कामयाब हो सकता है। वो कौन से? सर पे टोपी रख ली तो चंदा बहुत मिलेगा, हाथ में टीटी रख ली तो माल। ये तो सही रहा है। अच्छा टाइम बहुत हो गया है, अब मैं चलता हूँ। तुम शादीशुदा लोगों का यही मसला है, बाहर जितने भी बड़े बदमाश बन जाओ लेकिन बीवियों के सामने बकरी बन जाते। चल आज के फोन मेरे और नकदी तेरी। चल चल ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ निकल। सुल्ताना, शबनम, क्या सो गए हो तुम लोग? तू तो कह रहा था कि 2-3 घंटे का काम है और आधी रात को आ रहा है। अरे तुम लोग लिए सामान लेने रुक गया था। क्या ये? लो आ गई शॉपर, देखती लपकने। और तू जो दरवाजे के पास चरपाई डाले लेटी है वो? तो मुझे फिक्र है इसकी, तेरी तरह घोड़े बेचकर नहीं सो रही। होंगे तो बेचेंगे ना। तेरा तो अब्बा का अस्तबल है ना। अबे खुदा के लिए खामोश हो जाओ, क्या मोहल्ले वालों को जगाओगे? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये फ्रूट, ये ब्रोस्ट, ये ले। मैं ब्रोस्ट लाया हूँ तेरे लिए। आज के अस्पताल में किसी के इकट्ठे 6 बच्चे पैदा हो गए। अबे तुम्हें बताया तो था, ये पार्ट टाइम नौकरी लग गई है। अब तुम देखो रात को ऐसे ही मजे करो, वो ब्रोस्ट खाओ, फ्रूट खाओ, ऐसे ही माल आया करेगा रोज। बस लड़ा मत क्या करो यार। जहाँ इस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, 2 बीवियाँ हों, 2 ऊपर तले ऊपर की बहनें हों, उसमें एक कॉमन चीज़ आ जाती है, जेलसी का फैक्टर, कि अगर इसके पास है तो मुझे भी चाहिए। वहाँ फिर आप ये सिचुएशन नहीं देखते, वहाँ आप हालात नहीं देखते कि पैसे हैं नहीं हैं, गुजारा हो रहा है नहीं हो रहा। आपकी जेलसी या आपकी इड इम्पल्सिव के आई वांट एनी हाउ, वो चीज़ इतना हावी हो जाती है कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ को हम दरगुजर करके और अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी हद तक भी जाते हैं। शबनम और सुल्ताना का भी अगर केस देखा जाए तो दोनों में जेलसी का फैक्टर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये अपने हस्बैंड को इतना मजबूर किया, उसकी सेल्फ इस्टीम को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि इसकी वजह से वो सीवियर डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद उसने ये सब कदम उठाना शुरू करे। मुल्ज़िम के मुताबिक ड्यूटी के दौरान ही उसकी दोस्ती शाहिद नामी डकैत से हो गई थी, जिसने उसे छीना झपटी की वारदातें करना सिखाई थी और अब उसे आदत हो गई थी। नौकरी का भी दिल नहीं करता था। खुशहाली आने से घर के लड़ाई झगड़े भी कम हो गए थे। जब जेब में नोट होना सब काम अच्छे लगते हैं। पैसा भी क्या चीज है, अगर पास ना होना तो अच्छा खासा शोहर भी ना बुरा लगने लगता है। वो मेरी मेहनत की कमाई है और मैं तुझे नहीं लेने दूंगी, चाहे तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ मैं, ताकि जान छुटे तुझसे। हाँ भाई, क्या खाएगी? टिक्का खाऊंगी। और तुम? बिरयानी। एक काम कर भाई, एक बिरयानी, एक टिक्का और बच्चों के लिए कस्टर्ड वगैरह ले आओ। बोतल भी, बोतल भी। अरे कोल्ड ड्रिंक पीली वाली। अरे सफेद वाली। सफर करते आ रही है। कितने अरसे बाद तू खाना खिलाने के लिए हम दोनों को बाहर लेकर आया है। जब जेब में नोट हो ना सब काम अच्छे लगते हैं। तुम लोग खाम खाम उससे लड़ते रहते थे। हाँ ये बात तो है। पैसा भी क्या चीज़ है, अगर पास ना हो ना तो अच्छा खासा शोहर भी ना बुरा लगने लगता है। सुन एक बात बोलूं? हाँ बोल। तू ना मुझे शादी के बाद पहली बार इतना अच्छा लगा है। लो लगा दे नजर। तू घर चल, मैं तेरी नजर उतारूंगी। हाँ मेरी नजर उतार देना और अपनी लगा देना। क्या खाओगी? मैं ऑरेंज वाला कस्टर्ड खाऊंगी। मैं कोल्ड ड्रिंक। मैं खाऊंगी। मैं तो बिलोस खाऊंगा। मैं ऑरेंज वाला कस्टर्ड। चुप करो ना, अभी जूतियां लगा दूंगी। क्या पागल हो गई है? बच्चे हैं, क्यों काटू तोड़ी है? क्या कहा तूने मुझे? मैं काटती हूँ, मैं कुतिया हूँ, है? मैंने कब कहा है? अभी अभी तो तुमने कहा। आज इसको बोल रहे, कल मुझे बोलेगा। अगर मैं कुतिया हूँ तो फिर ये कौन है? अब तू बता, तू कौन हुआ? खुदा के लिए खामोश हो जाओ, क्यों तमाशा बनवा रहे हो यहाँ पे यार? क्या कह रहा है ये? कह तो ठीक रहे, चल छोड़, माफ कर दे। पुलिस के मुताबिक 2 महीने कबल शाहिद को शरीफाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिससे मुल्जिम इमरान खौफजदा होकर घर बैठ गया था और नौकरी पर भी दोबारा जाने लगा था। लेकिन जब फाके होने लगे तो उसने फिर एक पार्टनर की तलाश शुरू कर दी थी। आ गए तुम? हाँ आ गया। तो चला जाऊं क्या? मर्जी है तुम्हारी। वैसे भी कौन से तुम मेरी मर्जी पे चलते हो? कभी तो तू सीधे मुंह बात कर लिया कर। सीधे मुंह बात करना जितना छोड़ा है तुमने। अच्छा चल, कुछ खाने को है? तुम तभी घर आते हो जब तुम्हें भूख लगती है। जहाँ सारा दिन रहते हो वहाँ तुम्हें खाना नहीं मिलता। चल छोड़ना, इधर आके बैठ। बोल। अच्छा वो तेरे पास कुछ पैसे हैं? मैं तभी समझ गई थी जब तू मुझे इतने प्यार से बुला रहा था। कहाँ से लाऊं मैं रोज-रोज पैसे? वो जो तू दूसरों के घरों में काम करती है, तू क्या फ्री में करती है? दूसरों के घरों में काम करती हूँ तो वो सिर्फ खाना देते हैं, वो भी बचा कुचा। तनख्वाह तो मिली होगी? तनख्वाह मिली थी ना, खर्च हो गयी। इतनी जल्दी तू खर्च करने वाली तो नहीं है। देख बशीर, वो मेरी मेहनत की कमाई है और तुम्हारे जुए के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं। जब मैं जीत कर आता हूँ तो बड़ी बड़ी फरमाइशें करती है तू, और वो साल में सिर्फ एक ही बार होता है। तू दे रही है कि नहीं दे रही? नहीं दूंगी। देगा तो तेरा बाप भी, और तू जहाँ रखती है वो जगह भी मुझे पता है। वो मेरी मेहनत की कमाई है और मैं तुझे नहीं लेने दूंगी, चाहे तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ मैं, ताकि जान छुटे तुझसे। समझी? बैठ इधर। बीवियों की प्रेशर से, बीवियों की बातों से बार बार उसकी तजलील करना, उसने उन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया कि जहाँ मैं ये गलत रास्ते से पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कम से कम इज़्ज़त तो मिल रही है, मेरी सेल्फ इस्टीम तो बच रही है। इसलिए इमरान ने ये वाला कदम उठाया। खाली हाथ आ गया, ये नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ देता हुआ आता। ये तुझे पता है पार्ट टाइम जॉब मिली थी, वो भी ख़त्म हो गई है। क्यों खामखा परेशान करती है मुझको? तो दोबारा कर लेना। अरे मिलेगा तो करूँगा दोबारा। वो फैक्ट्री बंद हो गई है। हाँ तो कहीं और नौकरी कर ले, कोई और काम देख ले। तनख्वाह से गुजारा तो होने से रहा। 4 दिन तूने सुहाने ख्वाब दिखाए, उसके बाद फिर लाकर वहीं खड़ा कर दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्यों? मेरी वजह से क्यों हुआ है? जब पैसे आ रहे थे तो तेरे तलले अलले नहीं रुक रहे थे हैं? ये ला दे, वो ला दे, बाहर घुमाने ले जा, खाना खिला दे। और अब कह रही है कि ना ये मैंने कैसे किया है? उसकी जेब में पैसा तो टिकने देती। अच्छा अगर मैं पैसे ना बचा सकी तो तू बचा लेती। तूने कौन से बचा लिए? उस वक्त तो तू भी ठूसा करती थी लबालब लबालब। हाँ मोटी भैंस, वजन देखा है अपना? 10 किलो चौड़ी हो रही है। हाँ, देख इसको समझा ले, मैं बताई दे रही हूँ। दिमाग भिन्नौट हो गया ना तो सारा गुस्सा जो ना इसके ऊपर उतार दूंगी। अबे बकवास मत करो, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। ऐसा ना तुम दोनों को धोरा लूं। इसको तो निचोड़ देना। ए, चुप हो जा तू। मैं चुप हो जाऊँ? मेरे चुप होने से कुछ नहीं होता। इसके तुम्हें मुँह ही नहीं लगना चाहती। तो मुझे ये बताओ तुम जाकर नसीर भाई से क्यों नहीं बात करते? शायद वो ही कोई तुम्हें दूसरा काम दिला दे। हाँ जाऊंगा उनकी तरफ, बाजी ने मुझको बुलाया है। हाँ, बाजी के घर जाऊंगा। एक बाजी है, एक ये इनकी बेगम है और इनके बच्चे हैं। उन्हीं के अलले तलले करते फिरते रहते हैं और हम तो इनको नजर ही नहीं आते। ना हम नजर आते ना हमारे बच्चे नजर आते हैं। इसको ले जाओ पट्टी करा कर लाओ जब तक मैं इसकी गर्लफ्रेंड से बात कर लूँ। जी साहब। शोहर क्या करता है? शोहर जुआरी है साहब। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया साहब। बस दिल बदल दे। कहाँ जा रही है तू? नसीर भाई के यहाँ जा रही हूँ। नसीर भाई के क्यों जा रही है? हमने प्लाट नहीं लिया था सरजानी में, उसकी आखिरी के 60,000 रुपए थे ना, बाकी अभी और वो लोग तकाजा कर रहे हैं। अरे तो बेच दे। कहाँ से देंगे 60,000 रुपए? वाह ऐसे कैसे बेच दूँ? पैसा जमा करके लिया है ताकि अपना घर हो जाए। ये इतनी बड़ी रकम 60,000 कहाँ से देंगे? इसीलिए जा रही हूँ ना नसीर भाई के यहाँ। अगर वो कुछ दिनों के लिए उधार दे दें तो मैं जान छुड़ाऊँ। अरे वो दूर के रिश्तेदार है हमारे, आजकल सगा भाई काम नहीं आता तो वो क्या काम आएगा। उनकी माली हैसियत अच्छी है, बात करके देखने में क्या हरज है। क्यों मेरी जान अपनी बात खराब करती है? प्लाट को बेच, कुछ पैसे ही हाथ आ जाएंगे ताकि वो 4 पैसे लेकर ना तो जुआ खेलाए, है ना? मैं पागल हूँ जो जुआ खेलूंगा? कारोबार कर लेंगे, कुछ आमदनी का जरिया बन जाएगा। अच्छे से जानती है, आमदनी का जरिया बन जाएगा। अच्छा चल जा घर को, बिकेगा तो फिर भी चाहे तो कुछ भी कर ले। तुम्हारी ये हसरत ना कभी नहीं पूरी होने दूंगी मैं। चल या। दूसरी तरफ डकैत खातून परवीन ने अपने बयान में बताया कि उसका शोहर जुआरी था, वो उसकी मेहनत मजदूरी के पैसे भी छीन कर ले जाता था जिससे वो तंग थी। हाँ भाई बशीर कैसा है, सुधरा या नहीं? नहीं भाई वो तो वैसे के वैसे ही हैं। जो चीज घुट्टी में मिली होती है वो कहाँ जाती है। आज तुझे हमारी याद कैसे आ गई? बहुत दिन हो गए थे, सोचा चक्कर लगाऊं। अरे परवीन आ जाया कर कभी कभार इधर भी। भाई मुझे आपसे एक जरूरत आन पड़ी है। कैसी जरूरत? आप तो जानते हो सरझानी में मेरा एक प्लॉट है भाई, मुझे उसकी किस्त अदा करनी है और बहुत परेशान हूँ। वो तो कोई काम करते हैं नहीं, मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? इस मुश्किल वक्त में आप मेरा सहारा हो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। परवीन तुम्हें तो पता है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल है और कारोबारी हालात तो बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। और महंगाई देख रही हो ना तुम, कमर तोड़ के रख दी है इस महंगाई ने। आज इतवार है ना, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आज देख के आऊं मैं जरा। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे आजो आजो अंदर आजो। अस्सलाम नसीर भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारे इमरान, ठीक हो? ओए बस ठीक ही हैं। आज आवाज में जान नहीं है बिल्कुल, क्या बात है? ऐसी आवाज क्यों निकल रही है तेरी? अरे बेगम हमारी एक की आगे आवाज नहीं निकलती तो इस बेचारे की तो दो हैं, दो के आगे कैसे आवाज निकलेगी इसकी। हाँ भाई, इसको जानते हो परवीन को? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसको। अरे भैया हमारी दूर की रिश्तेदार है परवीन। और परवीन ये भाई है मेरा। अच्छा हुआ तुम मौके से आ गए। और तेरा अस्पताल की नौकरी कैसे चल रही है? अल्लाह का शुक्र नसीर भाई, गुजर बसर हो रहा उसी रोजी से। अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई जगह है तो इस बेचारी परवीन को भी नौकरी पर लगा दो, बहुत परेशान है बेचारी। मैं देखता हूँ यार, जिसे कुछ होगा नसीर भाई मैं बताऊँगा। हाँ भाई, बहुत ज़रूरतमंद है ये बेचारी। शौहर मिला तो वो भी जुआरी निकला, बहुत तंग करके रखा हुआ है इस बेचारी को उसने। हर तरफ यही मसले मसाइल चल रहे हैं। आप एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो, जैसे कोई काम होगा मैं आपको बता दूँ। ज़रूरतमंद तू भी है और मैं भी, और ज़रूरतमंद ही ज़रूरतमंद के काम आता है। काम क्या है ये तो बता। सिर्फ 2-3 घंटे काम है, 5 से 10 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेगी। देर से आने पर शौहर ने कभी पूछताछ नहीं की। जब बेबी रोज़ लाकर लौट देती हो तो नजर लौटों पे दिख जाती है, औरत पे नहीं। अरे ये किसका फोन है? हेलो। हाँ इमरान बात कर रहा हूँ। इमरान? कौन इमरान? अरे कल नसीर भाई घर पे आपसे मुलाकात हुई थी ना। ओ अच्छा आप हैं। कल आपकी परेशानी सुनी, सुन के बड़ा दुख हुआ, सोचा आपकी कोई मदद कर दूँ। जी आपका एहसान होगा। एहसान वहसान कुछ नहीं, ये बताओ काम वाम तो कर लोगी ना? जी काम तो मैं कर लूँगी, लेकिन इस वक्त मुझे 60,000 रुपये की ज़रूरत है। देख परवीन, मैं दाएं बाएं फायर नहीं मारता, सीधा फायर करता हूँ, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी है आपकी, पर वो कैसे? वो तो तुम्हें देख के अंदाज़ा हो गया था कि तुम बहुत मालदार हो सकती हो। अगर मेरे कहने पे चलोगी तो प्लाट तो क्या, महल की मालिक बन जाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, एक इज़्ज़तदार औरत हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम मुझसे मिलो तो सही, तुम्हें सब समझा दूंगा। तुमने तो मुझे फोन पर डरा ही दिया था। इसलिए तो मिलने कहा था, ताकि तेरे दिल से सारा खौफ निकाल दूं, क्योंकि दाएं बाएं तो मैं करता नहीं, सिर्फ सीधा फायर मारता हूँ। चल सीधा फायर ही कर दें, मैं भी तो देखूँ कहाँ फायर करता है, दिल पर या दिमाग पर। तो फिर सुन, जरूरतमंद तू भी है और मैं भी, और ज़रूरतमंद ही ज़रूरतमंद के काम आता है। काम क्या है ये तो बता। सिर्फ 2-3 घंटे काम है, 5 से 10 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेगी। क्या कह रहे हो? 5-10 हज़ार? मैंने सीधा फायर कर दिया, अब तू बता क्या कहती है। कुछ ज़्यादा ही सीधा फायर करता है। कहाँ लगा, दिल पे या दिमाग पे? दोनों पर। कब से आना है? रोज़ाना मगरिब के बाद 3 घंटे, 12 से पहले पहले तो फारी हो जाएगी। बोल। मंजूर है, आ जाऊंगी। ये बता शोहर को क्या कहेगी? अरे जो शोहर कमाकर खिला नहीं सकता वो रोकेगा क्या, बना दूंगी कोई ना कोई बहाना। ये बता आना कब से है? तू तो मुझसे ज़्यादा जल्दी में। चल तो ठीक है, कल शाम को आ जा और निकलते हैं दिहाड़ी मारने के लिए। आ रहा हूँ। कहाँ से आ रही है तू? एक फैक्ट्री में काम के लिए बात करके आई हूँ, कल से काम पे जाऊंगी। इस टाइम? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद? ये कौन सा टाइम है? अरे है एक फैक्ट्री, और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे, सिर्फ 3 घंटे का काम है और मजदूरी रोज की रोज मिल जाया करेगी। ये तो बड़ा अच्छा काम है, रोज के रोज। तू ऐसे ही सुकून से बात किया कर, कितनी अच्छी लगती है। अगर तू भी कुछ कर लेना तो मुझे भी अच्छा लगे। कभी किसी को कत्ल किया है? नहीं साहब, मैंने कभी कत्ल नहीं किया साहब। पैसे कितने मिलते हैं साहब? छीना झपटी से जो कुछ भी मिलता उसमें इमरान पैसे मुझे दे देता, और मोबाइल दूसरे दिन मार्केट में बेचकर जो भी 5-10 हज़ार मिलते वो मुझे दे दिया करता था। पुलिस ने नहीं पकड़ा कभी? साहब, मैं इस तरह बाइक पर बैठती थी कि लोग हमें मियाँ बीवी ही समझते थे, इसलिए कभी पुलिस वालों ने हमें रोका नहीं। देर से आने पर शौहर ने कभी पूछताछ नहीं की? जब बीवी रोज लाकर नोट देती हो तो नजर नोटों पे टिक जाती है, औरत पे नहीं। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? इसको छोड़, खाना क्या लाई है? कढ़ाई लाई हूँ, तू भी क्या याद करेगा? अरे जब तक तू नहीं आती ना तुझे ही याद करता रहता हूँ। अच्छा मुझे याद करता है या फिर इन्हें? 1000 रुपये तो दे, जरूरत है मुझे। चल ये ले रख, ऐश कर। अच्छा सुनो, तुम खाना खा लेना, मैं खाकर आई हूँ। तू किसके साथ खाकर आई है? फैक्ट्री के मालिक के साथ। तू इतना बंधन के जाएगी, वो खाना तो खिलाएगा ही। और सुन, तू इतना मेकअप नहीं किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। और बस ज्यादा गैरत नहीं खा, मुझ में कौन से ऐसे फूल लगे हैं जो वो तोड़ लेगा। अच्छा जा, तू थकी हुई आई है, मुंह हाथ धो ले और सो जा। जब से तू मिला है सारी परेशानियां खत्म हो गई, मेरा प्लाट भी अपना हो गया और अल्लाह का शुक्र है घर में भी खुशहाली है। हाँ ये तो सही रही है, तेरी सब परेशानी दूर हो गई, लेकिन मुझे एक परेशानी हो गई है। क्या? अबे यही कि तुझे लेने जाओ छोड़ने जाओ। इरादे क्या हैं तेरे? इरादे तो अच्छे हैं, 2 पहले ही भुगत रहा हूँ। एक को छोड़, अंधेरा बहुत हो गया, शिकार ढूंढते हैं। चल फिर। आज तो कोई बड़ा मुर्गा घेर गया, कोई सही का शिकार मिल जाए ना, मजा आ जाए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरानुल हसन मूसा कॉलोनी और मुलजिमा परवीन औरंगी टाउन की रिहायशी है। दोनों मुलजिमान ने अपने आप को मजलूम जाहिर करने के लिए बताया कि वो घरेलू माली परेशानियों के हाथों तंग आकर डकैती पर मजबूर हुए थे। उन्होंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। जबकि पुलिस का कहना है कि हर मुलजिम पकड़े जाने के बाद ऐसे ही बहाने बनाकर अपने आप को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करता है। मुलजिमान आदि मुजरिम हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही मुलजिमान के बारे में अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। वीरानाए वजूद में जलना पड़ा मुझे, अपने लहू की आग में जलना पड़ा मुझे। अमजद किसी तरफ भी सहारा न था कोई, जब भी गिरे तो खुद ही संभलना पड़ा मुझे।